साथ रोक रही हूँ। एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो हम जम्मू कश्मीर से आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में हाईवे पर कार में धमाके की खबर, कार में सिलेंडर से धमाके की बात कही जा रही है। बनिहाल में जवाहर टनल के पास ये धमाका हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट के वक्त धमाके की जगह से सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। देखिए हम यही बात कर रहे थे। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मेरे संवाददाता खालिद हुसैन का। खालिद, और क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए ये एक मिस्टीरियस विस्फोट हुआ है, लेकिन सस्पिशियस है, क्योंकि जो पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है उसके शक के दायरे में ये ब्लास्ट आता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो गाड़ी का ड्राइवर जो है, जो ये पूरी तरह से खत्म हुई है सेंट्रो गाड़ी, वो फरार है। आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तो वो कैसे बच पाया? और दूसरा ब्लास्ट उसी वक्त हुआ जब सीआरपीएफ की कार्रवाई वहां से गुजर रही थी और उसके बैक साइड में ये उसको क्षति पहुंची है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसको अभी भी शक की नजर से देखा जा रहा है। एग्जैक्ट क्या हुआ है वो शक के दायरे में है, ये ब्लास्ट जो जवाहर टनल के पार बनिहाल में हुआ है। और इस जगह से अभी फिलहाल जो सिलेंडर एक है वो पूरी तरह से विस्फोट में खत्म हुआ है और गाड़ी खत्म हुई है। दूसरा सिलेंडर एक है जो कमर्शियल सिलेंडर दिख रहा है, वो अभी ठीक है। यानी अगर ब्लास्ट हुआ तो सिलेंडर ब्लास्ट अगर ये है तो सब कुछ, वो दूसरा सिलेंडर कैसे बचा? कई सवाल है जो खड़े हुए हैं, अभी जांच जिसकी हो रही है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि अभी भी ये शक के दायरे में है कि क्या वाकई ये सिलेंडर ब्लास्ट था या फिर और कुछ था। जी खालिद, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। आईजी जम्मू कह रहे हैं कि सीआरपीएफ के काफिले की एक गाड़ी को मामूली नुकसान हुआ है। मैं चाहती हूं हमारे दर्शकों को आप बताइए ये कितने बजे ये पूरा वाकया हुआ है या ये ब्लास्ट हुआ है? सीआरपीएफ का काफिला वहां से कितनी देर पहले गुजरा है, क्या हुआ है? ये करीबन 10:30 और 11:30 के बीच में सीआरपीएफ की कार्रवाई जो वहां से चल रही थी, उसी वक्त एक सेंट्रो गाड़ी जो है वहां पे अचानक से उसके ब्लास्ट हो गया और वो गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई। इस गाड़ी के खत्म होने से जो विस्फोट हुआ उससे जो सीआरपीएफ की कार्रवाई की एक बस थी उसके रेयर जो शीशा था उसका, उसको नुकसान पहुंचा है। हालांकि जानी नुकसान इसमें कोई नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से विस्फोट हुआ है और कार्रवाई के साथ हुआ है वो शक के दायरे में खड़ा करता है इस विस्फोट को। और उस जगह से कुछ सफेद किस्म का पाउडर भी मिला है, उसको भी जांचा जा रहा है कि आखिर ये पाउडर क्या है। अब जब ये हम जानकारी एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि भाई सीआरपीएफ के काफिले को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश, जहन में वापस पुलवामा अटैक आ जाता है। 14 फरवरी कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता है, क्या उससे भी जोड़कर अब इसे देखा जा सकता है? क्या कह रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज, जो आपके सोर्सेज है क्या बता रहे हैं? देखिए जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक निस्संदेही हम इसको पुलवामा जैसे हमले से जोर से देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो पुलिस अधिकारी है वो कह रहे हैं कि शक के दायरे में है ये विस्फोट। आखिर विस्फोट हुआ कैसे? अगर सिलेंडर ब्लास्ट है तो दोनों दूसरा सिलेंडर जो वहां पर मौजूद तस्वीरों में दिख रहा है वो क्यों नहीं फटा? और दूसरा ये है कि गाड़ी का जो ड्राइवर है जिस तरह से गाड़ी खत्म हुई है वो उसमें खत्म होना चाहिए था, लेकिन वो फरार है, उसकी तलाश जारी है। तो वो क्या पहले ही गाड़ी से उतर के भाग गया और गाड़ी का ब्लास्ट हुआ? ये सब बातें हैं जो शक के दायरे में इस विस्फोट को करती है और कहीं ना कहीं जो इशारा करती है कि कोई साजिश तो नहीं है जो फिर से एक बार पुलवामा जैसा हमला जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के बनिहाल से होने वाला था। हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, एक मामूली सा नुकसान हुआ है सीआरपीएफ की गाड़ी का, लेकिन अभी भी इस विस्फोट को जो है शक की नजर से देखा जा रहा है। इसको शक की नजर से खालिद देखा ही जाएगा, इसको शक की नजर से देखा जाएगा, क्योंकि अभी 2 महीने नहीं हुए पुलवामा अटैक को, हम वही चीज देख रहे हैं। यहाँ पर भी एक कार इन्वॉल्व है, वहां पर भी कार थी, वो विस्फोटकों से भरी हुई कार थी। यहाँ पर सिलेंडर अटैक की बात की जा रही है, सीआरपीएफ का काफिला वहां पर भी था, यहाँ पर भी। यहाँ पर लकीली अच्छी बात यह है कि किसी पर्सनल को नुकसान नहीं हुआ है, गाड़ी को थोड़ा सा मामूली सा नुकसान हुआ है। तो जोड़कर तो मतलब उसमें पुलवामा अटैक की बात बार बार इसीलिए आ रही है क्योंकि दोनों सेम सेम लग रहे हैं। देखिए जो जिस तरह का विस्फोट हुआ है वो अगर हम उस हिसाब को देखें तो वो दोनों विस्फोट जो है मिलते जुलते हैं। वहां भी एक विस्फोटक भरी गाड़ी पुलवामा में जो है वो एकदम से उसके चढ़ गई थी जो सीआरपीएफ की कार्रवाई थी, लेकिन उसमें ये था कि जो गाड़ी का चलाने वाला था वो भी उस विस्फोट में खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो है जिसने जो ये गाड़ी का विस्फोट हुआ उसका ड्राइवर जो है फरार है, यानी कहीं ना कहीं उसको पता था कि गाड़ी जल रही है या फिर विस्फोट हो रहा है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है, तो वहां से क्यों निकला और कैसे जिंदा निकला, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
और साथ ही साथ जिस तरह का पाउडर वहां पे मिला है उस पाउडर को जांचा जा रहा है कि ये पाउडर क्या है, क्या ये विस्फोटक है, क्या ये यूरिया है, क्या है इसको इस गाड़ी में ये कैसे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं इसको सारे एंगल से देखा जा रहा है और जब तक स्पष्ट न हो जाएगा कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे, क्या वाकई सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर कोई और साजिश थी कानवाय पे हमला करने की, तब तक इसको पुलवामा के हमले से जोड़ा ही जाएगा क्योंकि जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ सेम उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो विस्फोट है देखने को मिला है। राहत की बात यही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल उस एरिया में तलाशी अभियान जो है शुरू कर दिया गया है, तमाम आला अधिकारी स्पॉट की तरफ दौड़ रहे हैं और क्योंकि ये मिडिल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जो हाईवे है उसमें है इसलिए थोड़ा वक्त लगता है अधिकारियों को वहां तक पहुंचने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय वहां पे अधिकारी हैं वो सारे विस्फोट स्थल पर पहुंच गए हैं और सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब तक जांच पूरी होगी तब तक क्लियर क्या। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ, ये कार किसकी है, क्या ये साफ हो पाया है और ये जहाँ पर हुआ है कहाँ पर हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जी न्यूज पर। देखिए ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है और बनिहाल और जवाहर टनल के बीच में जो ये जहाँ पर बस्ती नहीं है वहाँ पर हुआ है और इस तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आसपास कोई बस्ती नहीं है। यानी ये जो गाड़ी वाला था वो भी हाईवे पे चल रहा था और वहीं पर इससे ये वहाँ पर ये विस्फोट हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ड्राइवर कैसे बचा जब गाड़ी की हालत अगर देखे तस्वीरों में तो वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसमें अगर कोई सवार हो तो वो बचना मुश्किल है। शुक्रिया खालिद हुसैन, आगे आएंगे आपके पास, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, हमारे पास समय इतना ही है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा है, जैसे ही और डिटेल्स आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे इस बड़ी खबर को लेकर, और ब्रेक के उस पार एक बार फिर से रुक करेंगे। अहमदाबाद का बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह का रोड शो जारी, 1:20 का वक्त दिया गया था नामांकन के लिए, कैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है तफसील से आपको बताएंगे, तस्वीरें भी जानकारी भी और एक्सपर्ट्स भी रहेंगे।